सो चलिए आज हमारे पास में PDA 100 मॉडल जो कि मेटल बॉडी में आता था, ये कुछ रिपेयर में आया हुआ है। तो इसको सबसे पहले यहाँ से आगे से इस तरह से खोल लेंगे। प्रॉब्लम इसका मैंने थंबनेल में, वीडियो के थंबनेल में बता ही दिया है आपको। तो यहाँ से कुछ इसके कार्बन कैप खोलने के बाद में ये चारों यहाँ से स्क्रू लगे रहते हैं आगे, यहाँ से कुछ इनको खोल लेंगे इस तरह से। यहाँ से बैरिंग वगैरह, गियर वगैरह आप चेक कर सकते हो यदि अगर कुछ ख़राब हो तो। कुछ यहाँ से भी इसको ओपन कर लेते हैं चलिए, क्योंकि थोड़ी सफाई कर देंगे यहाँ से खोल के। आर्मेचर इसका बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। थोड़ी जो पीछे का 608 नंबर बैरिंग रहता है वो बॉडी में एकदम फिट रहता है। ये देखिए कुछ आर्मेचर का इस तरह का हाल हो चुका है, बाकी ये जो आगे वाला बैरिंग है इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है। जहाँ पर ये गियर के नीचे और पंखी के ऊपर जो बैरिंग पड़ता है इसमें थोड़ी खराबी है, तो इसको भी चेंज करेंगे। और यहाँ से देखिए जो हमारा आर्मेचर की जो दो पत्तियाँ निकल गई हैं ना वहाँ की, वो इसके अंदर ही फंसी हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो अगर उखड़ जाता है आर्मेचर वहाँ से कार्बन के पास से, तो उसको इस तरह कुछ फोक करके हमको बाहर ज़रूर निकालना है, क्योंकि वो पत्तियाँ अंदर ही फंसी रह जाएंगी। नया भी आर्मेचर डाला जाएगा तो भी वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से नया आर्मेचर ले लेते हैं। आर्मेचर आप पावर टूल्स की दुकान में से ले सकते हो, किसी नज़दीकी दुकान से, या फिर ऑनलाइन वगैरह भी मॉडल नंबर के हिसाब से मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। देखिए आर्मेचर का अलग अलग एरिया में अलग अलग रेंज के हिसाब से प्राइस रहता है, वो प्राइस मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो हमारे यहाँ का प्राइस तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो यहाँ से चलिए इसका कुछ जो पीछे का वायरिंग रहता है 608 नंबर, इसको यहाँ से कुछ इस तरह से निकालेंगे। और आप लोग कुछ इस तरह का पावर टूल्स का रिपेयरिंग काम सीख करके आप आराम से रिपेयरिंग कर सकते हो ये सब चीज़ों का खुद ही, या फिर अगर कोई आप शॉप वगैरह डालना चाहते हो तो आप आराम से इस तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हो वीडियो के माध्यम से। चलिए यहाँ से इसका कुछ आगे का जो ये नट लगा हुआ है इसको, ये जो कौवा टाइप का पकड़ आता है इससे यहाँ से खोल लेंगे। इसका गियर इस तरह से बाहर निकालेंगे। किसी भाई का कमेंट आया था कि पावर टूल्स रिपेयरिंग के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए, तो मैं उसका स्पेशल वीडियो बना भी दूंगा एक। आपको मिनिमम जितना सामान चाहिए होता है उतना, बाकी तो अपने हिसाब से आप जिस तरह से आप आगे काम करते जाओगे खुद ही आइडिया लग जाएगा आपको। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है रिपेयरिंग करने के लिए उसका वीडियो मैं एक स्पेशल बना दूंगा आगे। कुछ इस तरह से इसको साफ कर देंगे। और इसमें देखिए छोटे छोटे ये दो स्क्रू लगे हैं, इनको खोल करके और यहाँ से बैरिंग अंदर इसके फिट होता है, तो यहीं से हम बैरिंग चेंज कर देंगे नया। और 608 नंबर का बैरिंग पड़ता है इसके अंदर। और किसी बैरिंग वगैरह की या हार्डवेयर वगैरह की दुकानों में बैरिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, आप ले करके चेंज कर सकते हो। यहाँ से कुछ खराबी है इसमें, हिल रहा है। यहाँ से इसका जो ग्रीस वगैरह है वो साफ कर देते हैं, अंदर जो पुराना ग्रीस रह गया है। यहाँ से ये नया बैरिंग ले लेते हैं और 608 नंबर का बैरिंग रहता है।
यहाँ से ये दोनों स्क्रू कस देंगे। बैरिंग फिट करके और ये इसके ऊपर कवर जैसा लगा रहता है ताकि बैरिंग बाहर नहीं निकले, तो ये दोनों स्क्रू जो लगे हैं इनको फिट कर देंगे यहाँ से ऐसे। संभाल के आप स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हो इसको, अगर आपके पास में ये स्क्रू ड्राइवर मशीन नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर से डिसमिस से आप टाइट कर सकते हो। कुछ इस तरह से ये बैरिंग फिट कर होने के बाद आर्मेचर इस तरह से फिट कर देंगे और इसका गियर लगा देंगे ऐसे, उसके ऊपर जो ये नट रहता है इसको फिट कर देंगे। अगर आपके पास अच्छा पकड़ है इस टाइप का तो ही आप पकड़ यूज कीजिएगा, वरना वो नट खराब हो जाएगा। कोई नट वाला जो पाना रहता है वो यूज कर सकते हो। पीछे 608 नंबर का बैरिंग है, इसको कुछ बीच वाला जो भाग रहता है बैरिंग का वहाँ पर हथौड़ी मार के फिट करेंगे। साइड साइड में नहीं मारना है वरना नया बैरिंग भी खराब हो सकता है। और पूरा अच्छी तरह से देख लेना है, अंदर कुछ भी कचरा एक भी नहीं रह जाना चाहिए अंदर, इसको अच्छी तरह से साफ करके और ऐसे कुछ आर्मेचर फिट कर देंगे जैसे हमने खोला हो इसका। इसके बाद में कुछ इस तरह से इसका वापस से फिटिंग कर देंगे। अब ये जिस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब लोग आगे और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मेरे पास में जो भी रिपेयरिंग के लिए मशीन आता रहता है, अगर कोई ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ करके जाता है तो उसको रिपेयर करके और उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसमें कार्बन लेंगे और कार्बन यहाँ से फिट करेंगे। अगर कार्बन ज़्यादा टाइट लग रहा है तो थोड़ी बहुत आप नॉर्मली इधर उधर से घिस सकते हो उसको, जो पेपर आता है 120 नंबर 60 नंबर ऐसा थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ में घिस दोगे तो कार्बन घिस जाता है। और घिस के यहाँ पर इसके अंदर फिट रहना चाहिए, जैसा कि मैं पिछले हर वीडियो में बताया हूँ कि कार्बन कभी भी इसके अंदर बिल्कुल टाइट नहीं जाना चाहिए, लूज रहना चाहिए कार्बन। ऊपर नीचे उसको खिसका के देख लेना, अगर ज़्यादा फिट है तो उस कार्बन को ज़बरदस्ती नहीं डालना है आपको, थोड़ी बहुत साइड साइड से घिस के डालना है, वरना फिर आर्मेचर में नुकसान कर सकता है वो। तो कुछ इस तरह से ये दोनों कार्बन फिट कर देंगे। बहुत ही आराम से, क्योंकि कैप इसके बहुत नाजुक रहते हैं, जबरदस्ती नहीं फिट करना है। जब आराम से पूरा कार्बन फिट हो जाएगा उसके बाद ये बहुत ही आराम से कैप भी हमारे फिट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से वायर वगैरह अगर लूज रहता है तो वायर के चारों तरफ आप थोड़ी पैकिंग लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला जो इसका ये ढक्कन रहता है ये वाला, इसमें ही वायर फिट हो जाता है जैसे स्क्रू टाइट करते हैं। यहाँ से कुछ इसके दोनों स्क्रू फिट कर देंगे। चलिए अब इस मशीन को चालू करके देख लेते हैं। स्विच इसका नीचे की तरफ ऑफ रहता है, ऊपर की तरफ ऑन होता है। तो ये देख सकते हो कि हमारा ग्राइंडर इस तरह से बन के तैयार है। और ये मेटल बॉडी वाला है तो इसमें बहुत संभाल के भी काम करना होता है, क्योंकि शॉर्ट वगैरह बहुत आ जाता है इसमें कभी कभी। जो लोग सलिया कटिंग में यूज करते हैं चलिए बनके हमारा ग्राइंडर रेडी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।